हेलो दोस्तों, फाइनली किया सेल्टॉस जो अपडेटेड होने वाली है उसकी सारी जानकारी निकल कर आ गई है। और हम आपको दोस्तों सबसे पहले जानकारी दे रहे हैं, तो वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। दोस्तों जो HTK+ वेरिएंट होने वाला है उसमें आपको इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा, जो है IMT दोस्तों, जो कि आपको सोनेट और वेन्यू में पहले ही देखने को मिल चुकी थी, जो कि आपको पेट्रोल वर्जन में देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी अच्छी बात होने वाली है दोस्तों। साथ में HTK+ के ऊपर ट्रिम्स में भी आपको ये उपलब्ध की जाएगी, जिसकी प्राइसिंग दोस्तों थोड़ा बढ़ सकती है, लेकिन आपको काफ़ी बेहतरीन चीज़ मिलेगा, जो कि दोस्तों आपको काफ़ी मदद करेगा वाइल ड्राइविंग इन द सिटीज़। अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की दोस्तों, तो जो सबसे बड़ा अपडेट है जो कि है पैनोरामिक सनरूफ, वो आपको किया सेल्टॉस टर्बो GTX ऑप्शनल नाम के नए ट्रिम में देखने को मिलेगा, जो कि GTX प्लस के ऊपर बैठेगी दोस्तों। और इसका एक्स शोरूम 17 लाख होने वाली है, जिसमें दोस्तों आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेंगे और पैडल शिफ्टर्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो यही है दोस्तों आपकी अपकमिंग किया सेल्टॉस, जो कि पैनोरामिक सनरूफ आपको केवल GTX ऑप्शनल वेरिएंट में देखने को मिलेगा। और किया सेल्टॉस ग्रेविटी एडिशन भी दोस्तों आने वाली है, जिसमें 18 इंच के व्हील्स देखने को मिल जाते हैं और भी काफ़ी ज़्यादा आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं फ्रंट और आपको साइड वगैरह में। तो काफ़ी अच्छा लुक होने वाला, इंटीरियर भी आपको सिल्वर गार्निश और ग्रेस गार्निश के साथ मिलता है। तो यही है दोस्तों किया सेल्टॉस का। अब GTX ऑप्शनल में अब आपको पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगा दोस्तों, और ग्रेविटी एडिशन में भी देखने को मिल सकता है। तो यही है आपकी अपकमिंग किया सेल्टॉस, जो कि इंडिया में 27 अप्रैल को लॉन्च होने वाली है। प्राइसिंग जैसे कुछ आती है हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।